शहर में चल रहे ऑटो ड्राइवर द्वारा नाबालिग से अश्लील हरकत के वायरल वीडियो मामले में नया मोड़ आ चुका है, जहां आरोपी ऑटो ड्राइवर के खिलाफ पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। नागपुर में ऑटो ड्राइवर द्वारा स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत का गंभीर मामला सामने आया है। ऑटो ड्राइवर की अश्लील हरकत मोबाइल में कैद हुई है और वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑटो चालक का नाम विशाल देशमुख बताया जा रहा है। नागपुर के अजनी पुलिस थाना अंतर्गत यह मामला सामने आया। ऑटो चालक यह पीड़ित नाबालिग छात्र को स्कूल छोड़ने और लाने का काम करता था। ऑटो में पीड़ित छात्र को स्कूल से घर छोड़ते वक्त अकेली देख ऑटो चालक ने उसके साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने यह करतूत अपने मोबाइल में कैद कर ली। दो दिन पहले ही इस घटना का वीडियो जमकर वायरल होने लगा। तब पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए जांच की और अश्लील हरकत करने वाले ऑटो ड्राइवर के खिलाफ पोक्सो एक्ट अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ऑटो भी जब्त कर लिया है। यह वीडियो शहर में तेजी से वायरल होने के बाद वो अभिभावक चिंतित हो रहे थे जो अपने बेटियों को ऑटो से स्कूल भेजते हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के परिवार ने शिकायत देने से मना करने के बाद भी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑटो चालक के खिलाफ पोक्सो एक्ट अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। 8 तारखेला जे आहे की अशा पद्धतीचा जो व्हिडिओ एक आम्हाला प्राप्त झालेला होता, ज्या पद्धतीची घटना होती अतिशय म्हणजे गंभीर बाब दिसत होती, त्या अनुषंगानं आम्ही तत्काळ टीम बनवून आम्ही शोधाची प्रक्रिया चालू केली होती। दरम्यान त्या काळामध्ये आम्हाला तो व्हिडिओ जो मोदी होता तो रिक्षा ड्रायव्हर पण भेटला। आमचा तपास चालू होतं, आम्ही त्याला सोकॉल चौकशारी ताब्यात घेतलेलं होतं। दरम्यान आम्हाला ती पीडित मुलीचं घर पण माहीत झालं आणि त्या अनुषंगानं आम्ही पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करण्यासाठी ते जे पॅरेंट आहेत त्यांची तक्रार घेणं अपेक्षित होतं, परंतु ते झालेला प्रसंग आहे तो खूपच म्हणजे संवेदनशील आणि धक्कादायक असल्यामुळे ते तक्रार देण्याच्या स्थितीत नव्हते। त्या अनुषंगानं आम्ही पुन्हा त्यांनी वेळ मागितलेला होता आणि काल पण ते पुन्हा वेळ त्यांनी काही तक्रार देण्यासाठी ते आले नव्हते। त्या अनुषंगानं जे आहे की पोक्सो ऍक्ट आहे त्यातल्या कलम 19 प्रमाणे आम्ही पोलिसांतर्फे फिर्याद दाखल करून पुढील तपास करीत आहोत। राईट, काल गुन्हा दाखल केलेला आहे, आरोपीला अटक पण केलेली आहे। असे बरेच जे घटना आहेत लहान मुलासोबत मुलीसोबत वगैरे अशा घटना म्हणजे घडू शकतात किंवा काय, तर पालकांनी जे आहे की आपलं जे पाल्यासोबत जो आहे संवाद वाढवणं गरजेचं आहे। अशा प्रकारची कोणतीही घटना होत असेल किंवा त्याची माहिती असेल तर तात्काळ जे आहे पोलिसांना त्याबद्दल कळवणं आणि अशा गोष्टीवरती प्रतिबंध घालण्यासाठी सर्वांनी जबाबदारीने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे। आरोपीची जी आहे की आपण प्राथमिक माहिती घेतली तसं कुठलं क्राईम रेकॉर्ड नाही, परंतु आपण अधिकचा तपास करीत आहोत। NBCN न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।